नाउ गैस्ट्रेशन एंड इन मैमल्स और मैमल्स में गैस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है तो गैसट्रेशन का प्रोसेस मैमल्स में कब स्टार्ट होगा जब इम्प्लांटेशन होगा यानी फर्टिलाइजेशन हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी स्टेज आएगी क्लीवेज क्लीवेज से क्या बन जाएगा ब्लास्टा बन जाएगा अब जब ब्लास्टा होता है वो यूटेरस की वॉल पर ये यूटेरस यूटेरस की वॉल पर आके अटैच हो जाता है इस अटैचमेंट को क्या कहते हैं इम्प्लानशन तो गैस्ट्रोलेशन कब स्टार्ट होगा इम्प्लानशन के बाद अब ये जो इनका ब्लास्टुला होता है ब्लास्टुला में टू पार्ट्स होते हैं एक होती है आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इस लेयर को ये जो ब्लास्टोमियर की लेयर है चारों तरफ सेल की लेयर है ब्लास्टुला की ये क्या है ब्लास्टलामेल का इस लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट ये ट्रोफोब्लास्ट इसके अंदर एक सेल का मास होता है यानी सेल्स इकट्ठा होकर ग्रुप में रहती हैं और उसको कहते हैं इनर सेल मास अब जब ये अटैचमेंट होता है यूटेरस की वॉल से अटैच होगा ब्लास्टला तो कैसे होगा ये जो ट्रॉफो ब्लास्ट की सेल्स हैं ये एक एंजाइम ये क्रिएट करती हैं जो इस जो वॉल है इस वॉल को डिग्रेड कर देते हैं इसके टिश्यू को डिग्रेड कर देते हैं और ये ब्लास्टला थोड़ा सा अंदर घुस जाता है किसकी वॉल की बाद में थोड़े टाइम के बाद में ये जो वॉल है ये दोबारा बन जाती है और इस ब्लास्टला को ऊपर से कवर कर लेती है तो ये ब्लास्टला ये जो वॉल है इस वॉल को कहेंगे एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम को डिग्रेड कर दिया और थोड़े टाइम के बाद इसके ऊपर दोबारा एंडोमेट्रियम की लेयर बन गई इसको कहते हैं इम्प्लानशन अब इम्प्लान्टशन के बाद में गैसटिलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें कितनी लेयर बनेगी एट द एंड थ्री लेयर्स बनेंगी एटोडम एंडोड्रम एंड बीच में मीजोडम इसके अंदर जो कैविटी है वो है ब्लास्टोसील यह है ब्लास्ट लॉ हो गया अब होगा गैसटिलेशन का प्रोसेस ये जो लेयर है ये है ट्रोफोब्लास्ट इसके अंदर जो सेल मास है ये है इनर सेल मास तो आगे जाके जो तीन लेयर बनेंगी एक्टोडम मीजोडम और उन तीनों लेयर्स से ही क्या बनेगा पूरा एम्ब्रियो बनेगा मेमल डेवलप होगा वो किससे होता है इनर सेल मास से होता है ट्रोफोब्लास्ट से नहीं होता ट्रोफोब्लास्ट का क्या काम है सिर्फ ये क्या बना देती है कोरियोन एक लेयर बना देती है कोरियोन और साथ में जो प्लेसेंटा है वो भी किससे बनती है ट्रोफोब्लास्ट से ही बनती है और जो पूरा एम्ब्रियो है वो किससे बनेगा इनर सेल मास से बनेगा अब इनर सेल माल जो है वो अब डिफ्रेंशिएट हो जाता है विभेदित हो जाता है और टू टाइप्स के ग्रुप बना लेता है टू ग्रुप्स में अरेंज हो जाता है ऊपर की तरफ है हाइपोब्लास्ट और नीचे की तरफ है एपिब्लास्ट ये है एपिब्लास्ट और ये हाइपोब्लास्ट ब्लास्ट इनर सेलमाल मास डिफरेंशिएट हो गया टू ग्रुप्स में हाइपोब्लास्ट एंड एपिब्लास्ट अब हाइपोब्लास्ट है वो क्या बनाता है एंडोडर्म बनाता है और एपिब्लास्ट आगे चल के क्या बनाता है एक्टोडर्म बनाता है अब पहले क्या होगा हाइपोब्लास्ट की जो सेल्सन के बीच में कैविटी बन जाएगी ऐसे ही एपोब्लास्ट की जो सेल्सन के बीच में कैविटी बन जाएगी तो ये थी हाइपोब्लास्ट ब्लास्ट की सेल्सन इसके बीच में कैविटी बन गई ये एपोब्लास्ट की सेल इसके बीच में कैविटी बन गई इसको कहेंगे अपन कोरियोन जो ट्रोफोब्लास्ट थी वो किसमें चेंज हो को गई कोरियोन और कोरियोन ही क्या बनाती है प्लेसेंटा बनाती है ये प्लेसेंटा भी फॉर्म हो गई अब जो हाइपोब्लास्ट था जो जिसके अंदर कैविटी बन गई अब उसको क्या कहेंगे अम्बिलिकल वेसिकल वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है अंदर कैविटी है अम्बेलिकल वेसिकल और जो एपिब्लास्ट थी उसके अंदर कैविटी बन गई अब इस स्ट्रक्चर इस कैविटी को क्या कहेंगे एमनियोनिक कैविटी अब ये जो लेयर है कौन सी अम्बिलिकल वेसिकल की ये जो नीचे वाली ये लेयर है ये तो आगे जाके क्या बनाएगी इतना पार्ट क्या बनाएगा एंडोडर्म और ये जो इतना पार्ट है एमनियोनिक कैविटी के अपन लेयर का ये क्या बनाएगा एक्टोडर्म ये एंडोडम बनाएगा एक्टोडम बनाएगा इनके बीच में सेल आके अरेंज हो जाएंगी ये बीच में सेल आरेंज हो गई ये क्या बनाएंगे फिर मीजोडर्म तो ऊपर मिजोडम के ऊपर वाली सेल्स बना लेंगी एनडोडम बीच वाली मिजोडर्म हो गई नीचे वाली बना लेंगी एक्टोडम इस डी के बाद कौन सा वाला डायग्राम आएगा ई वाला डायग्राम आएगा सही से बनाना पहले इसको बनाना फिर इसको बनाना ई अब यह अरेंज हो जाएगा तो ये बीच में ये जो डार्क किया हुआ है ये क्या है मीजोडम और ये जो सकल एंड फिल्ड सेल हैं भरी हुई जो सेल हैं कलर्ट की हुई ये किसकी हैं एंडोडाम की और ये जो नीचे की आ, बिना कलर की सेल्स हैं ये वाली तो क्या है ऐसी सेल्स से तो शो किया हुआ है एक्टोडॉम को और ऐसी जो फिल्ड है इससे शो किया हुआ है एंडोडाम को बीच में जो लाइन डार्क है ये है मीजोडाम ये मीजोडॉम है तो थ्री लेयर्स हो गए एम्ब्रियो की एम्ब्रियो क्या है ये सिर्फ इतना एम्ब्रियो बनाएगा जो पूरी बॉडी बनेगी जो भी मेमल डेवलप हो रहा है उसकी जो पूरी बॉडी बनेगी जो पूरा एम्ब्रियो बनेगा वो किससे बनेगा इतने ही पार्ट से बनेगा इन सब से नहीं बनेगा तो इतने से पार्ट में थ्री लेयर्स हो गई एक तो हो गई एंडोडम बीच में मेंटम एक्टोडम थ्री लेयर्स हो गई तो ये फिर थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है और ये हो गया एंडोडम बीच में मिजोडम ये एक्टोडम इस तरफ फिर कौन सी अम्बिलिकल वेसिकल और ये है एमियनिक कैविटी ये है कोरियन तो ऐसे डेवलप होता है गेस्टुलेशन होता है थ्री लेयर्स बनेंगे किसके अंदर मेमल के अंदर ये जो नोट्स में डायग्राम सेंड करेंगे इस टॉपिक के अंदर गेस्टुलेशन इन मैमल पहले तो क्या है टॉपिक मैमल इन गेस्टुलेशन नहीं है गेस्टुलेशन इन मैमल सही करना है इसको सेकेंड उसके अंदर जो डायग्राम है वो क्लियर नहीं है इसलिए ये वाला डायग्राम ही बनाना उसमें इसका स्क्रीनशॉट ले, ले लेना यहीं से ये था टॉपिक गेस्टेशन इन मेमल न सेकंड सेकेंड टॉपिक डेवलपमेंट अप्यू रिलेशन गेस्टोलेशन की बात क्या होगा न्यू रिलेशन न्यू रिलेशन क्या होगा नर्व कोड का बनना नर्व कोड का फॉर्मेशन उसको क्या कहते हैं न्यू रिलेशन कहते हैं अब थ्री लेयर्स बन गई गैसेशन की प्रोसेस हो गया कंप्लीट उसके बाद कितनी लेयर्स बन जाती हैं एम्ब्रियो में थ्री लेयर्स बन जाती हैं एंडोडम मेजोडम एक्टोडम या ऊपर सबसे बाहर एक्टोडम फिर मिजोडम फिर एंडोडम तो, एक्टोडम जो लेयर है वो आगे चल के क्या क्या बनाएगी एम्ब्रियो का स्किन बनाएगी नर्वस सिस्टम बनाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगी और जो एंडोडम है वो क्या क्या बनाएगी जो एलिमेंट्री कैनाल है पूरी वो बनाएगी साथ में जो लिवर पैनक्रियाज ये ग्लैंड हैं पाचक ग्रंथ ये बनाएगी थायरोयड पैराथायरॉयड ग्लैंड भी यही बनाएगी इसके बाद जो चीज़ें बन बच गई वो कौन बनाएगी मीजोडम मीजोडम जो मसल मस्कुलर सिस्टम है स्केटल सिस्टम है कार्डियो सिस्टम यानी हार्ट है मसल्स हैं बोन्स हैं किडनीज हैं उत्सर्जित तंत्र है जनन तंत्र है ओवरी टेस्टिस ये सब किस से बनेंगे मीजोडाम से बनेंगे अब न्यूरिलेशन की प्रोसेस से पहले क्या बनती है नोटोकोड बनती है अब जो एम्ब्रियो है वो पहले कैसा होता है लंबा हो जाता है थोड़ा सा लंबा होने के बाद क्या फॉर्म होती है नोटोकॉट फॉर्म होती है मीजोडर्म से तो मीज़ोडर्म से जैसे ही नोटोकॉड बन जाती है जैसे यहाँ पे नोटोकोड बन गई नोटोकॉड क्या करती है नोटोकॉड से ऊपर जो सेल्स होती हैं किसकी एक्टोडर्म की ये इसको स्टिमुलेट करती है और ये जो सेल्स हैं ये क्या बना लेती हैं न्यूरल प्लेट बना लेती हैं ये तो बनी मिजोडम से नोटोकोड इसके ऊपर जो एक्टोडम ने एक्टोडम की लेयर को ये स्टिमुलेट करेगी उत्तीपित करेगी जिससे वो सेल्स क्या बना लेंगी एक प्लेट लाइक -like स्ट्रक्चर बना लेंगी जिसको कहेंगे न्यूरल प्लेट और फिर इंड्यूस करेगी जिससे क्या होगा ये ग्रूव में चेंज हो जाएगी थोड़ा नीचे की तरफ धस जाएगी इसको कहेंगे न्यूरल ग्रूव फिर ये जो फोल्ड्स हैं ये थोड़े पास पास आ जाएंगे और ये थोड़ी और नीचे चली जाएगी तो क्या बन जाएंगी फोल्ड्स बन जाएंगे ये फोल्ड ये फोल्ड इनको कहेंगे न्यूरल फोल्ड्स इसके आसपास जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स अब ये जो दोनों फोल्ड्स हैं ये और पास पास आ जाएंगे और आपस बाद में ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी और ये दोनों जो इसके ऊपर एक्टोडम थी वो आपस में दोबारा से मिल जाएंगी तो एक्टोडम बन गई बीच में क्या बन गई ट्यूब अभी ये अपन को टी दिख रहा है पूरी लंबी ट्यूब है जिसको कहेंगे न्यूरल ट्यूब या फिर नर्व कोड किससे बनी है ये एक्टोडाम से बनेगी अभी जो नर्व ट्यूब है ये न्यूरल ट्यूब है ये आगे जाके क्या बनाया कि ब्रेन एंड स्पिनल कोड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है न्यूरल ट्यूब का बना होता है और जो पेरिकुलर नर्वस सिस्टम है जिसमें नर्व्स आती हैं वो किसका बना होता है न्यूरल क्रस्ट सेल्स का बना होता है तो ये यूनिट हो गई ख़त्म सेकेंड यूनिट इसका एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ टेडपोल लार्वा जिसको पढ़ेंगे थर्ड यूनिट के अंदर तो वो थर्ड यूनिट में आ जाएगा